मैं बता ही नहीं सकती फीलिंग के कैसा रहा। बस देखते गए, आंखों से पानी निकलता गया निकलता गया निकलता गया, लेकिन फिर अंदर जाके जब उनको देखा तो ऐसा लगा कि उन्होंने कहा कि बस अब ख़त्म। बहुत बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा है कि जो वहाँ के पंडित जी से वो गोले को उठा के भगवान जी के पास अंदर ले गए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब ये बड़ा होगा तब मैं इसको बताऊँगी, और अगली बार हर्ष के साथ ज़रूर आऊँगी। अगर उसका शूट ना होता तो वो भी होता, बट आएंगे एक साथ फैमिली के साथ, इतना अच्छा लगा ना। और सबसे अच्छी बात यह है जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ कि ये दर्शन करने के बाद जगन्नाथ जी के, मेरी मम्मी और मेरी सास की चार धाम की यात्रा पूरी हो गई है। और आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि चार धाम की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है। तो आज मम्मियों की दोनों हो गई, जिससे थोड़ी इमोशनल थी, और बहुत अच्छा लग रहा है। और बस उड़ीसा के लोग कितने प्यारे हैं, इतने प्यारे लोग हैं, इसीलिए हम इसमें से थोड़े ले भी गए अपने मुंबई। तो हमारे पास मुन्ना है और भी बहुत लोग हैं उड़ीसा के, जो हमें वहाँ का खाना पखाल भात ये वो खिलाते हैं सब, और बहुत अच्छा लगता है। उड़ीसा के लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। बस भगवान जी आप सबको खुश रखें, आपके परिवार को हेल्दी रखें। जय जगन्नाथ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।